हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और यहाँ पर बारिश की झड़ी लगी है, दोपहर से इंतजार करें, बारिश बंद होने वाली है, लेकिन बारिश लगातार होती जा रही है। और दोपहर में तो इतनी तेज हो रही थी ना कि पूरे यहाँ पे जितने नाली वाली है, रोड और पूरा घुटनों तक भर गए थे, छत में नली, हाँ नाली सब भरी हुई थी। तभी क्या है, शाम को फ्री हुए थे तो मैं सोच रही थी किचन का थोड़ा बहुत काम कर लें, जो कह रही थी सेट वेट करने के लिए। और जैसे ही मैं तैयार, मतलब जैसे ही जाने वाली थी, शुरू करने ही वाली थी, वैसे ही लाइट चली गई। मैंने कहा चलो काम की मूरत बना रहे थे बहुत देर से। तो मैं आ गई हूँ अभी नीचे और बस शुरुआत करने जा रहे थे इस किचन का मेकओवर करने की। तो यही है मेरे मायके की छोटी सी किचन जिसका कि मेकओवर करना है। तो बस मैं वही अभी देख रही थी कि कहाँ कैसे क्या शुरुआत की जाए। तो अभी मुझे ऊपर से पूरा इसको चेंज करना होगा, सारे सामान हटाने होंगे। तो यहाँ पर सामान हटाने से पहले मैं जो ये डिब्बे लेके आई थी नए वाले, इनको मैं पहले साफ़ करके रख दे रही हूँ, क्योंकि इनको सूखने में लगेगा टाइम, तो पहले इनका ही काम कर लिया जाए ताकि इनको साइड में रख देंगे। और ये है क्लिम्प्स, क्लिम्प बोलते हैं, क्लिम्प जो वॉलपेपर लाई हूँ ना यहाँ पर दीवार में लगाने के लिए, वो इसी से लगाया जाएगा, क्योंकि किचन की दीवार में सीलन होती है जिससे टेप वगैरह कुछ भी नहीं रोकेंगे। तो भाई ने ही मुझे बताया था कि इस तरीके से ये ले लो, तो इससे जो है अच्छा रहेगा और मजबूत भी रहेगा, तो हम यही लेके आ गए। ये लाइट वगैरह की जो दुकान होती हैं, शॉप, उन पर मिल जाती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सारे डिब्बे अच्छे से साबुन से धो लिए हैं। और उसके बाद धोने के बाद मैं कमरे में रखाई हूँ, तो नंदिनी ने सूती कपड़े से उनको पोंछ के वहीं फ़ैन के नीचे रख दिया है। उसके बाद यहाँ शुरुआत कर दी है मैंने सामान हटाने की। तो सबसे ऊपर मैं किचन में चढ़ गई हूँ ऊपर, और ये जितने भी डिब्बे डिब्बी रखे हैं सारे मैं नीचे उतार दूँगी। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें से क्या रखना है और क्या हटाना है, क्या साफ़ करना वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें मैं हटा दे रही हूँ। और इस यहाँ पर ना किचन में नहीं, पूरे घर में चूहों का भी बहुत आतंक रहता है, जिसकी वजह से वो अलग अपना फैला देते हैं सब जगह, तो ये एक दिक्कत ये भी है। तो बस यहाँ मैं सब हटा रही हूँ। तो यहाँ पर इस ऊपर का सारा सामान हटाने के बाद मैं यहाँ पर मैंने कपड़े से अच्छे से इसको 2-3 बार रगड़ रगड़ के पूरा ऊपर से साफ़ कर दिया है, पूरा कूड़ा कचरा निकाल दिया है। और यहाँ पर प्लास्टिक बिछी हुई थी, इसको भी मैंने अच्छे से नीचे ही उतार के पानी से साफ़ कर दिया है। और ये ना चूहे कुतर डालते हैं, यहाँ पर कुछ भी बिछाओ ना चूहे कुतर डालते हैं, नीलम बता रही थी, तो इसकी इनकी वजह से सही नहीं रह पाते हैं। और प्लास्टिक के ऊपर से बिछा दूँगी पेपर। तो ऊपर वही सारे डिब्बे रखने हैं जो यूज़ नहीं होते हैं, जो बड़े डिब्बे वगैरह हैं जैसे दाल वगैरह के हैं या बड़ी टंकी वगैरह है, वो रखने के लिए ऊपर मैंने पूरा साफ कर दिया है। और इस किचन के मेकओवर में सब लोग हेल्प कर रहे हैं, मेरी भाभी नीलम, नंदनी, भाई, मैं, सब लोग मिलके लगे हुए हैं ताकि जल्दी से हो जाए। और जितने सारे डिब्बे मैंने ऊपर से उतारे थे, इनको मैं जा रही हूँ साफ़ करने। तो ऊपर से ही अच्छे से इनको साबुन से फिर कपड़े से साफ कर दिए, धुला नहीं है जो डिब्बे भरे थे। और साफ़ करने के बाद में जो ये पुराने पुराने डिब्बे हैं दाल वाल के भरे थे, इनको ज्यों का त्यों रख दिया है, इनको नहीं हटाया है हमने, बस साफ बस कर दिए हैं। और ये टंकी वगैरह थी वो भी ऐसे ही लगा दी है। तो ऊपर वाली अलमारी के जो पुराने डिब्बे थे छोटे मोटे, वो हटाए, बाकी बड़े ज्यों के त्यों रख दिए हैं। उसके बाद जो ये वॉल पे प्लास्टिक सीट जो मैं ले आई थी, इसको नाप रहे हैं कि कितनी बड़ी लगानी है। और ये ऊपर के डिब्बे वगैरह मैंने ये लगा दिए। तो उसके बाद यहाँ पर वॉलपेपर लगाने, जिसके लिए नंदनी यहाँ पर खाली कर रही है। तो बीच में मैं चली गई थी आयान के पास में, उसको थोड़ा सा सुलाने उलाने उसको देखने के लिए। तब तक यहाँ पर नंदनी ये सब हटाने में लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पर लगेगा वॉलपेपर पूरी दीवार में।
तो बस ये लोग ये लगाने जा रहे हैं। और नीलम प्रैक्टिस कर रही थी डिजाइन बनाने की पेपर में के ऊपर बिछाने के लिए, इस तरीके से डिजाइन बना सकते हैं। नीलम को आती भी अच्छी डिजाइन, अच्छा लग रहा है और अच्छा बन जाएगा, अच्छी है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से लगेगी ये सीट। तो ये जो न्यूज़पेपर है इसको हमने लगा रहने दिया है, हटाया नहीं, उसी के ऊपर से ही लगा दे रहे हैं क्योंकि उसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और बस ये सीट काट के भाई ऐसे क्लिंप लगा लगा के इनको ऐसे ठोक दे रहा है प्लास से, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से लग जाती है, जैसे टेप वगैरह से लगाते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं रुकती है। लेकिन ये बहुत अच्छा है और ये लगी भी रहती है हमेशा, निकलते भी नहीं है, बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। और एक पैकेट में बहुत सारे इस तरीके से आ जाते हैं क्लिंप, मतलब 20 रुपये का ये पैकेट आया था जिसमें थोड़ी सी यूज़ होती है, बाकी तो बची गई थी। तो नंदनी पकड़ती जा रही है और पीछे से ये ठोकता जा रहा है, और मालूम है इस दीवार में टेप पकड़ता भी नहीं, अगर लगाते तो पकड़ता भी नहीं। और यहाँ देखिए अलग चल रहे हैं ये लोग भी नहीं, अपने में लगे हुए हैं, इनको लेटना भी नहीं है, उठना भी नहीं है। और ये देखिए पूरी इस तरीके से सेट हो गई, इन दोनों लोगों ने मिलके बहुत अच्छे से उसको लगा दिया था। जब तक वो वहाँ पर सीट लगा रहे थे तब तक यहाँ पर हम डिब्बे चेंज कर ले रहे थे, जो नए वाले डिब्बे थे वो सूख गए थे, तो नए वाले में ही हमने पुराने वालों का सामान पलट दिया है, जिसमें जिसमें जैसे बन गया है तो ये वाले हमने चेंज कर दिए और वो डिब्बे हटा दिए। तो इनको जाके मैं रख दे रही हूँ किचन में, तो बस दोनों काम ही साथ ही साथ हो गए। और ऊपर की अलमारी में भी हमने सीट ही बिछा दी है, ये देखिए वहाँ का पेपर हटा के। तो बस ये बीच वाली अलमारी भी पूरी साफ करके इसमें सीट लगा के जितने डिब्बे वगैरह थे वो सब सेट कर दिए। और दूसरी तरफ नंदनी जो ये ट्रे है, कप प्लेट वगैरह, कांच के गिलास, ये सारी चीज़ें सेट करती जा रही है, मैं बताती जा रही थी और साफ कर करके देती जा रही थी, तो ये सारा उसने सेट कर दिया है। उसके बाद ये नीचे पूरा किचन साफ कर देंगे ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो मैं एक स्टैंड लेके आई थी कप प्लेट लगाने के लिए मार्केट से, उसको सेट कर देंगे और बाकी की चीज़ें ये बीच वाली सेट करेंगे। तो पहले मैं इसको सारा साफ़ कर डाल रही हूँ क्योंकि यही हम डिब्बे वगैरह रखते रहे तो ये सारा गंदा हो रहा था यहाँ पे, तो इसको क्लीन कर लिया है। तो ये देखिए ये वाला सारा सेट हो गया है और काफ़ी अच्छा भी सेट लगने लगा है, मतलब एक अरेंज जैसा हो गया है सारी चीज़ें, तो अच्छी भी लग रही है, वो साफ़ हो गई है तो और ठीक लग रही है। और उसके बाद यहाँ पर जो मसाले वगैरह के डिब्बे थे वो अभी नीचे ही रख रखे हैं। और ये है छोटा सा एक स्टैंड जो मैं लेके आई थी, इसमें जैसे कप रख सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं, या कप ना रखना चाहो तो छोटे से डिब्बे डिब्बी वगैरह हो वो रख सकते हैं। तो ये मुझे दिख गया था मार्केट में तो मैंने इसको भी ले लिया था। और उसके बाद ये लाई थी मैं रोटी वगैरह रखने के लिए, तो बस ये एक दो चीज़ें सेट हो जाए। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो स्टैंड कैसे लगाना था, तो नीलम उसे लगा रही है क्योंकि उन्होंने मुझे लगा के दिया था, लेकिन फिर रास्ते में लाने की वजह से मैंने उसको खुलवा लिया, तो खुलवा के लाई थी तो वो दोबारा से सेट कर रही है। तब तक ये मैं पूरी नीचे की सफाई करूँगी झाड़ू पोछा। और पूरा बस गैस बस साफ़ करने के लिए रह गई थी। और ये गैस ना नीचे नीलम ने अपनी सुविधा से रखी है क्योंकि उसको रोटी वगैरह बनाने में नीचे गई थी ठीक रहता है, इसलिए नीचे रख रखी है। और उसके बाद ये सिंक वगैरह भी मैंने साफ़ कर डाला है, और सिंक हमारा सच में गलत डायरेक्शन में बना हुआ है क्योंकि पापा ने नहीं समझ में आया उस टाइम पर बनवा लिया होगा, इसलिए थोड़े बहुत जो बर्तन होते हैं वहीं यहीं पर धो लेते हैं, बाकी जब ज़्यादा होते हैं तो नीलम बाहर ही ले जाती है उनको धोने के लिए, वहाँ आराम से कही थी जल्दी हो जाते हैं बैठ के धोने में, खड़े होकर टाइम लगता है। तो ये देखिए बहुत देर लगे रहे, बाद में नीलम ने ही लगा पाया इस स्टैंड को, और यहाँ पर नंदनी इस स्टैंड में लगा दे रही है कप वगैरह सारे। किचन सेट हो चुकी है, मतलब जैसा हमें समझ में आ गया वैसा लगा लिया है, उतना ज्यादा तो परफेक्ट नहीं बना होगा लेकिन यह है कि पूरी सेट हो गई है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को सब दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे सेट किया है पूरा एक बार में। और बस और किचन दिखाने से पहले मैं बता दूं कि इसमें मेहनत किस किस की लगी है, इसमें नीलम की पूरी मेहनत लगी है, नंदनी की लगी है और मेरी भी लगी है,
असली मैं भी सामने आ जाऊं। और ये सब जो ये लगाया है इसमें भाई की मेहनत लगी है, इसको इन लोगों ने मिलके लगाया है, इसको मैंने नहीं लगाया है, तो बस सबने मिलके किया है तब जाके ये सेट हुई है, सबकी मेहनत है इसमें। तो ये देखिए हमने क्या किया है, जो ऊपर वाले हैं जो सामान के थे दाल वाल के डिब्बे पे, वो मैंने नहीं छेड़े, बस साफ करके हमने उन्हें सेट कर दिया है, टंकी वगैरह ये सब। और उसके बाद ये वाली में चेंज किया है, जो ये नए डिब्बे लेके आए थे येलो कलर वाले सारे, तो वो इस हिसाब से जो पुराने थे उनको हटा दिया, नए वाले में सामान भर के यहाँ पर सेट कर दिए सारे। उसके बाद में जो पहले के छोटे मोटे डिब्बे थे वो लगा दिए। और ये मैं चावल भरने के लिए लेके आई थी, लेकिन इसका जो ऊपर का कवर है ढक्कन, वो बच्चों ने कहीं घुमा दिया है, तो अभी हमने रात में नहीं भरा है। इसमें कल नीलम चावल भर देगी। ये बास और यहाँ पर ये बाल्टियां लगा दी है, इनमें सामान भरा है। क्या भरा है नीलम? पापड़ वगैरह। हाँ, किसी में पापड़ चिप्स ये सारी चीजें बाल्टियों में भरी है, तो जो कि तो हमने साफ करके लगा दी है। यहाँ पर ये ट्रे लगा दी है और यहाँ पर ये बाल्टी है, इसमें भी चीनी गुड़ ऐसी चीजें जो एक्स्ट्रा होती है वो सब भरी है, वो वहाँ लगा दी है। उसके बाद यहाँ पर मिक्सी लगा दी है और जितने कांच वगैरह के बर्तन है वो सारे ग्लास कप यहाँ लगा दिए। आप लोग कह रहे थे हाँ, बाकी इधर पे जो है ये वाले डिब्बे नीचे लगाए हुए हैं, क्योंकि इसमें हल्दी धनिया मिर्चा पाउडर और ये तेल जीरा हींग ये सब चीजें हैं जो कि बराबर खाने में लगती हैं, तो ऊपर से कौन निकालेगा, इसलिए यही कोने में सारा सेट कर दिया है। यहाँ पर कप वगैरह लगा दिए जो ये स्टैंड लेके आई थी, और जीरे वगैरह के डिब्बे, छन्नी वन्नी ये सब। और यहाँ पर ये रोटी का डिब्बा लगा दिया, हॉट पॉट, मतलब ये भी नया लेके आए हैं, तो रोटी हॉट स्पॉट नो हॉट स्टार। तो बस, और यहाँ पर ये आटे की टंकी वगैरह डिब्बे इस तरीके से कुछ ऐसे लगा रखे हैं। बस यही था एक छोटा सा मेकओवर, सारी चीज़ें अरेंज कर दी हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कैसी लगी हमारी मेहनत, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।